अर्थात इन्होंने देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, कमजोर तबकों, युवाओं, बेरोजगारों एवं किसानों आदि से किए गए अपने किसी भी खास चुनावी वायदों को अभी तक भी नहीं निभाकर उनके साथ और वायदा खिलाफी एवं विश्वासघात आदि करने का ही काम किया है। इसके अलावा इन्होंने काफी अपरिपक्व तरीके से नोटबंदी के माध्यम से देश में पहली बार आर्थिक इमरजेंसी लगाकर यहाँ खासकर करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व मझोले व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का जो शोषण व उत्पीड़न आदि किया है और साथ ही लगभग 100 से अधिक निर्दोष गरीब लोगों की जान भी ले ली है, उसका भी अब जनता द्वारा सीधा हिसाब किताब करने का समय काफी नजदीक आ गया है। खासकर नोटबंदी के मामले में तो सांत्वना देने के लिए भी बीजेपी सरकार के पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि अब तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट में ये साबित कर दिया है कि पूरी तरह से एकतरफा मनमाने व अड़ियल तरीके से लागू किए गए नोटबंदी के फैसले से काला धन व भ्रष्टाचार पर रोक सहित कोई भी घोषित मकसद केंद्र सरकार प्राप्त नहीं कर पाई है।